देवसाई जाते हुए रास्ते में यहाँ अरसलान रेस्टोरेंट रुके हैं नाश्ते के लिए, तो ऑर्डर दिया है जी पराठा चना और चाय। बहुत लजीजा तो हम इंशाल्लाह देवसाई के लिए लीजिए भी बनी है। सुबह सुबह कौन लीजिए खाता भाई मेरे, माशाल्लाह जी। नाश्ते में कलेजी पराठा चाय, नाश्ते में सब लोग नाश्ता शुरू किया हुआ है। अरसलान भाई के रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं जी। जी हमारे साथ इस वक्त अरसलान रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं समझ लें वो मौजूद हैं। आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शेरदुल्ला हसन अफरुल्ला खान है, मैं चोरी से तारुफ रखता हूँ और इधर फिल वक्त रेंट पे रिकॉर्ड में रह रहा हूँ और यह अरसलान हाउस का ओनर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास VIP खाने मिल जाएंगे और इसके बाद रेंट के मकान जो है मुनासिब रेट पे मिल जाएंगे और इंशाल्लाह जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ अच्छा से अच्छा कॉपरेट हो रहा है। आप इस जगह का नाम बताएं। गिरी कोट। तो आपके रूम का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना और कम से कम कितना? ज्यादा से ज्यादा 3,000 और कम से कम 1,000 रुपए होंगे। तो खाना वगैरह आपके पास फ्रेश होता है? फ्रेश होता है। बचा हुआ खाना तो नहीं होता? नहीं नहीं बचा हुआ। एक दिन का खाना दूसरे दिन देते हैं? बचता भी नहीं है तो यूज भी नहीं करते, अगर हुआ तो यूज नहीं करते, फ्रेश खाना होता है। और जो टूरिस्ट आते हैं उनसे ज्यादा रेट लेते हैं कि रेट मुनासिब होता है? मुनासिब रेट होता है भाईजान, मुनासिब रेट। जो यहाँ का रेट बेसिकली यहाँ के लोगों से जो रेट ले रहे हैं वहीं गेस्ट वालों से भी वहीं ले रहे हैं, क्योंकि कल अल्लाह के सामने हमने जवाब देना ही देना है। एक को दूसरा रेट लगाएंगे, तीसरे को और रेट लगाएंगे, तो अल्लाह के सामने हमने जवाब देना। चलें बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हल्ले जी अस्तोर से हम लोग नांगा पर्वत बेस कैंप के लिए, तो फिर उसके बाद देवसाई। आप कहाँ जा रहे हैं? स्वात। स्वात? इधर से कितनी दूर है स्वात? स्वात बहुत दूर है। तो विजिट करनी है? हाँ, विजिट शेयर करने के लिए। किधर से? स्वात से। स्वात से ये सारा एरिया विजिट किया आपने? नहीं अभी जाएंगे देवसाई। माशाल्लाह बाइक पे आप? बाइक देख लें जी। कितनी एज है आपकी? 4 बंदे हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 57 साल। 57 साल बुजुर्गों की एज है। तो स्वात से ये सारा एरिया विजिट करने आए हैं, तो जो मैंने कहा था कि टेम्परेचर फुल अरूज पर है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। से ठीक है आपकी? और ठीक ठाक। अपना नाम बताइएगा। साबिर खान। साबिर खान, बाबा साबिर खान। कितनी उम्र है आपकी? 52-53 शुरू है। 53 तारीख पैदाइश है। माशाल्लाह। तो शहर के लिए निकले हुए हैं? हाँ शहर के लिए। हम तो साल में एक दफा लंबा चक्कर लगाते। माशाल्लाह। कितने दिनों का चक्कर है ये? 7 दिन का है। 7 दिन का। कहाँ कहाँ घूम के आया पीछे? ये अस्तोरो, चिल्लासो, देवसाई को चक्कर लगाएंगे, शेयर करेंगे। अच्छा। खपलू और गांचे और शीगर वगैरह। बहुत शुक्रिया। ये सब लोग हैं जी, देखें अब देवसाई नांगा पर्वत बेस कैंप ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने स्कर्दू जाना है, हमने भी स्कर्दू जाना है, शिगर इन्होंने भी जाना है, हमने भी शिगर जाना है, खपलू इन्होंने भी जाना है, हमने भी जाना है। तो ये देख लें, शौक की कोई कीमत नहीं है, उसके लिए उम्र की भी कोई हद नहीं है, दिल की हद है अगर दिल मानता है तो। नहीं जी ये तो निकल गए हैं देवसाई के लिए, तो अब हम लोग निकलेंगे। आओ दोस्तों इन पहाड़ों में अस्तोर से नांगा पर्वत के लिए बेस कैंप के लिए, तो सुबह सुबह सब कुछ बंद, लोग सोए हुए, तो हम लोग अपनी मंजिल की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और तौफीक से बेस कैंप पहुंच।
पहुंचेंगे नांगा पर्वत। अस्तोर के खूबसूरत नजारे, अस्तोर का दरिया है ये। काफी ठंडी ठंडी हवा है, जैसे कल हम सुबह बड़वई से निकले थे तो बहुत ठंडी हवा थी, तो इसी तरह ये पहाड़ों में बर्फ है तो उसकी वजह से जो है सुबह सुबह हवा काफी ठंडी है। तो हम जरा थोड़ा सा अर्ली निकले हैं, ये पहाड़ों पे आप देख रहे हैं धूप है, तो जितना भी सफर सुबह सुबह अब वेदर जरा अच्छा होता है तो सफर जितना कम हो सके। नांगा पर्वत के लिए जी व्यूवर्स, यहाँ से ये नांगा पर्वत के खूबसूरत नज़ारा नांगा पर्वत का। तो अभी हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, तो ये खूबसूरत नज़ारा है। ये नांगा पर्वत जाते हुए रास्ते में ये आप जो सामने पानी देख रहे हैं, ये सारा पानी जितना भी है ये नांगा पर्वत, जितनी भी बर्फ पिघलती है उसका ये पानी है। किसी जगह पे हाइट बहुत ज्यादा है, पैदल चलना पड़ रहा है।